सेक्स एक रात में कितने बार कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नए नए जो शादीशुदा लड़के लोग रहते, लड़के लड़कियाँ, वो शिक्षित रहे अशिक्षित रहे, मगर उनको काफ़ी बार सवाल रहता है कि भाई एक रात में कितने बार करना चाहिए, या एक हफ्ते में कितने बार करना चाहिए, या कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी होना चाहिए। ऐसे सवाल काफ़ी हमें आते रहते हैं, हमें ऑडियो कॉल से, वीडियो कॉल से काफ़ी लोग सलाह लेते रहते हैं। देखिए, कितने बार करना चाहिए ये सवाल का कोई ऐसा पक्का जवाब नहीं है, ऐसा बोला जा सकता है। यूजुअली 30 और 35 साल, ये जो उम्र है, ये उम्र के बीच में सेक्सुअल अराउजल, मतलब दोबारा करने की इच्छा जो होती है, वो 24 घंटे के बाद में हो सकती है, आफ्टर 24 आवर्स। मतलब सेक्सुअल अराउजल जो है, सेकंड टाइम करने की इच्छा, वो 30 और 45 के बीच में सेकंड टाइम करने की इच्छा 24 घंटे बाद में हो सकती है। मैं 24 घंटे उसको फिर से इच्छा नहीं होगी। एक बार सेक्स हो गया, इजैक्युलेशन हो गया, शांति हो गई, समाधान हो गया, अब सेक्स करने की इच्छा नहीं होगी। मगर 30 के पहले, जैसा बच्चा लड़का जो है वो पुरुष बनता है, या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार हो जाते हैं उम्र के 13, 14, 15 साल में, तो ये जो उम्र है जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म, हार्मोनल स्टॉर्म अंदर हो रहा है, उस समय उसको काफ़ी बार इच्छा हो सकती है। और इसलिए फिर मास्टरबेशन जो करते लोग, वो दिन में 3 बार 4 बार भी कर सकते, मतलब 24 घंटे में 4 बार भी करते हैं मास्टरबेशन। मास्टरबेशन मतलब सेक्स जैसे ही मास्टरबेशन है। मास्टरबेशन में हाथ से फ्रिक्शन करते हैं, सेक्स में वजाइना में फ्रिक्शन करते हैं। अदरवाइज मास्टरबेशन मतलब हस्त मैथुन, और सेक्स में कोई फर्क नहीं है। वैसे ओरल सेक्स का है, ओरल सेक्स में मुंह में फ्रिक्शन होता है, बात तो एक ही बनती है। तो फिर मास्टरबेशन करो, ओरल सेक्स करो, वजाइनल सेक्स करो, सेक्स कोई भी करो, 30 और 45 के उम्र में यूजुअली 24 घंटे तक सेक्सुअल अराउजल नहीं होता। मगर 30 के पहले, या नई नई शादी हो चुकी है, उम्र 24-25 साल है, 30 साल तक 2 बार 3 बार भी रात में अराउजल हो सकता है, और 24 घंटे में 2-3 बार भी कर सकता है। तो इसमें कुछ कम हो गया तो गलत नहीं, और ज़्यादा हो गया तो गलत नहीं है। मास्टरबेशन भी 2-3 बार करता है वो लड़का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें नुकसान होता नहीं है। अब मेरे पास ना एक लड़का लाया, उसकी उम्र 33 साल की है, और पिछले 2 साल से उसके पीछे लगे उसके माँ बाप कि भाई शादी कर, शादी कर। अभी वो शादी करने के लिए नकार दे रहा, और माँ बाप को बोल नहीं रहा हो कि भाई शादी क्यों नहीं करना है। समझो जबरदस्ती एक आधी लड़की उसको बताया कि भाई चल ये प्रपोजल आया हुआ है, तो बोलता मेरे को पसंद नहीं है, फिर उसको मेरे पास में लाया। अब यूजुअली जब ऐसा ऐसी उम्र है तो हम उसको पूछते रहते हैं कि भाई हुआ क्या, बोलते मेरी इच्छा नहीं हो रही। अब समझो ऐसा लड़का शादी करता है जिसकी बहुत इच्छा होती नहीं है, तो हो सकता है कि शादी के बाद में वो हफ्ते में भी एक बार कर सकता है, कि जिसकी इच्छा ही नहीं हो रही। तो हफ्ते में भी एक बार किया तो भी नॉर्मल है। कुछ लोग शादी के बाद में हफ्ते में एक ही बार करते हैं, कुछ लोग शादी के बाद में दिन में 2 बार करते हैं। तो अपनी अपनी भूख जो है उसके ऊपर है। जैसा खाना खाने की भूख है, हम खाना 3 बार खाते हैं, 1 बार ब्रेकफास्ट या 2 बार खाना खाते हैं, मतलब लंच और डिनर, तो वैसे ही इसका है कि भाई कितने बार करना चाहिए। तो फिर अपने अपने भूख के ऊपर है। स्त्री के लिए यह है, स्त्री के लिए मल्टीपल ऑर्गेजम्स पॉसिबल है, मतलब एक ही सेक्सुअल एक्ट में आदमी को एक ही बार हो जाएगा, मगर एक ही इसमें स्त्री का 2-3 बार हो सकता है, क्योंकि उसको ऐसा कोई इरेक्शन करना नहीं पड़ता है, और वो 2-3 बार भी एंजॉय कर सकती है एक ही शॉट में, एक ही इंटरकोर्स में, और बाद में भी वो कभी भी तैयार हो सकती है। तो उसमें कोई गलत नहीं है कि भाई कम करता है तो भी गलत नहीं, ज़्यादा करता तो भी गलत नहीं। फिर जिनको कम करने की इच्छा है उन्होंने क्या करना चाहिए, इच्छा है उन्होंने ये देखना चाहिए कि उनको बच्चा यदि करना है तो उन्होंने यूजुअली MC चालू होती है उस दिन का पहला दिन वो पकड़ना है, और पहला दिन पकड़ने के बाद में 10 से 17 दिन तभी कम से कम रोज करना चाहिए, क्योंकि उस समय ओव्यूलेशन होता है और उस समय प्रेगनेंसी होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो उस समय फिर टैबलेट्स खाओ, कोई दवाई लो, जो भी मर्जी करना हो करो, मगर उस समय रोज यदि करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस पूरे बनते हैं। अदरवाइज फिर बाकी जितनी भूख है उतना करना चाहिए। एक रात में कितना करना चाहिए, सवाल का जवाब है, ऐसा कोई फिक्स जवाब नहीं है। एक रात में कितना, जितनी भूख है उतना करना चाहिए। एक हफ्ते में कितना करना चाहिए, जितना लगता है उतना करना चाहिए। कम किया तो गलत है क्या, नहीं। ज़्यादा किया तो गलत है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसमें लड़की ने, मतलब स्त्री ने, पुरुष के ऊपर डिमांड नहीं करना चाहिए। समझो यदि उसकी इच्छा होती नहीं तो,
इसलिए क्या होता है कि आजकल 35 साल के बाद में भी लोग शादी करते हैं, 35 साल, 38 साल, 40 साल की उम्र में। अब नेचुरली इसमें सेक्स ये उम्र में धीरे धीरे कम होते जाता है। अब ये उम्र में यदि स्त्री कम उम्र की है, और ऐसा बहुत बार दिखाई देता है कि लड़का 40 साल का है और लड़की 30 साल की है, तो अर्थात उसको ज़्यादा सेक्स की इच्छा होती है और वो डिमांड करने लगती है कि नहीं मेरे को होना है, मेरी इच्छा हो रही है। और ऐसे समय पुरुष जब डिमांडिंग स्त्री है तो और सप्रेस हो सकता है और डर जा सकता है, फेल होने का उसको डर लगता है और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे स्त्री ने पुरुष के ऊपर डिमांड नहीं करना चाहिए सेक्स की, और ऐसे डिमांड करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी नवविवाहितों को शेयर करो, सभी लोगों को शेयर करो आफ्टर 40 ईयर्स, क्योंकि उस समय जब इच्छा कम हो जाती है और स्त्री की इच्छा अराउंड मेनोपॉज जब MC कम होना शुरू हो जाता है तब बढ़ती है ऐसा बोलते हैं। ऐसा कोई पक्का स्टडी नहीं है मगर उस समय बढ़ सकती है 42, 45, 46 साल की उम्र में, और उस समय पुरुष यदि कम होती रहे तो ये प्रॉब्लम और फिर खड़ा होता है। और एक कारण है कि स्त्री जब 45 की उम्र तक पहुंचती है तब तक क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी से थोड़ी वो फ्री हो जाती है और फिर उसके दिमाग में सेक्स के ख्याल आ सकते हैं। तो एक कारण होता है कि 45 में औरत को ज़्यादा क्यों लगता है सेक्स करना। और उस समय यदि आदमी का यदि कम हो गया इच्छा, क्योंकि वो तब तक 50 का है समझो, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इस समय ऐसे समय PDE5 इनहिबिटर्स जैसे सिल्डेनाफिल, डाडालाफिल लेते हैं कभी कभी, तो कोई उसमें गलत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।